गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा के वेनसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बढ़िया मोमेंटम के बाद कल हमने देखा था हमारे भारतीय बाजारों में कंसोलिडेशन, एक साइडवेज मूवमेंट का दिन था। तो 7 दिनों की बढ़िया तेजी के बाद कल उस तेजी थोड़ी सी थमती हुई नजर आई थी। अच्छा, ऐसे ही यूएस में भी अच्छे मोमेंटम के बाद, एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब कल कामकाज रिज्यूम हुआ तो वहां पे भी एकदम एक फ्लैटिश ट्रेड देखने को मिला। और आज के डाउ फ्यूचर्स के इंडिकेशन भी ऑलमोस्ट एक फ्लैटिश ओपनिंग के आते हुए, और इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी आज फिर दिखा रहा है कि एक सुस्त शुरुआत हमारे भारतीय बाजारों की होती हुई नजर आई। ऐसे में धीरज जी, आज की गुड मॉर्निंग, आज की ये पिच कैसी है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अगर आप ग्लोबल मार्केट के नज़रिए से देखना चाहते हैं तो अमेरिकी बाजारों से कोई खास संकेत नहीं है, वो अपनी ही समस्याओं से निपट रहे हैं। चूँकि यह हफ्ता उनके लिए काफ़ी इवेंटफुल है तो उसके हिसाब से उन्होंने ट्रेडिंग करी है। ओल्ड इकोनॉमी वाले शेयर में थोड़ी सी तेज़ी थी, डाउ इसीलिए ऊपर गया, लेकिन आईटी में लगातार प्रॉफिट बुकिंग जारी थी क्योंकि वो इन्फ्लेशन का सरदर्द जो है ना बना हुआ है। तो अब वो बीज बुक भी आनी है, इस हफ्ते इन्फ्लेशन का नंबर भी आना है, जॉब डेटा भी आना है, फिर 15 तारीख को फेड की बैठक है। तो इन सब के बीच में आप कह सकते हैं कि बहुत फूक फूक के लोग कदम रख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ट्रेड कर रहे हैं। नेगेटिव व्यू नहीं है अभी ना, उनका व्यू बदल रहा है, लेकिन सावधानी जो एक समझदार ट्रेडर को करनी चाहिए बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो ये हमें लगता है कि वहाँ ज़्यादा लोकल प्रॉब्लम है रादर कि उसका दुनिया के दूसरे देशों में इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी तरफ क्रूड, जिससे भारत का सीधे लेना देना है, वहाँ पे जो बैठक कल हुई उसमें ये तय किया गया कि हम अपने पुराने फैसले पर अटक रहेंगे, मतलब स्टेटस को कोई चेंज नहीं हुआ। धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाने की जो बात की गई थी 21 लाख टन की, वो जुलाई तक अपना अप्रूव करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग ये था कि ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई नहीं। उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने बोला नहीं, अभी हमने इस पर कोई डिस्कशन किया नहीं है कि उनकी कितनी सप्लाई आ सकती है, समझौता होगा कि नहीं होगा, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए कल क्रूड जो है 71 का टच करने के बाद फिर 75.5 के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो क्रूड में जब तक ईरान की क्लैरिटी नहीं आती और प्रोडक्शन और रैंप अप नहीं होगा, तो रिकवरी को देखते हुए हमें लगता है कि क्रूड में ये मजबूती बनी रहेगी। इसलिए 2 साल के हाइस पे जाके टिक गया है, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और क्रूड की ये तेज़ी और बढ़ती हुई मुझे इसलिए लगती है क्योंकि रिकवरी बहुत फास्ट है पूरी दुनिया में। एंड इवन शायद अगले हफ्ते जापान के भी जीडीपी डेटा आएगा, उसमें भी बहुत अच्छी उम्मीद लगाई जा रही है कि रिकवरी होगी। तो क्रूड की तेज़ी शायद भारत को थोड़ा सा परेशान कर सकती है क्योंकि आपने पेट्रोल बहुत दिन से हो सकता ना भराया हो, 100 रुपये के ऊपर निकल गया है, तो वो एक मुश्किल हो सकती है। अदरवाइज ग्लोबल संकेत नॉर्मल कर सकते हैं। अरे भाई साहब, रोज आजकल का एक एक दिन के डला रहा हूँ, इतना महंगा हो गया, अभी ऑफिस आना पड़ता है तो रोज एक एक दिन का डला के आता हूँ, तो रोज के भाव देखता रहता हूँ। नहीं तो अच्छा, तो आप कह ही रहे हो ये बात सही है। तो ओपेक की मीट का अनाउंसमेंट, वो ग्रेजुअल प्रोडक्शन इंक्रीज पर फोकस करने वाले हैं, कच्चा तेल 2 साल के हाईस पर $70 के ऊपर बढ़िया कंसोलिडेट करता हुआ टिक गया, तो सिग्निफिकेंट अपसाइड्स की तैयारी। और आप कह ही रहे हो आपके अंडरटोन बुलिश है कच्चे तेल को लेकर, तो शुरुआत किए देता हूं। जैसे 10 के 10 फिर से खरीदारी करने के कॉल्स हैं, थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे मार्केट्स को देखते हुए, जहां पैसा बन रहा होगा ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को, अदरवाइज स्ट्रिक स्टॉप लॉस के साथ इस मार्केट्स को अप्रोच करेंगे। मार्जिन का पेन खत्म हो गया है और पैंग्स हैं, ये एनीबडीज गेस, इसीलिए मैं कह रहा हूं स्टॉप लॉसेस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखेंगे। कच्चे तेल पे ही फोकस, क्रूड के चीयर्स हैं तो ONGC पहला स्टॉक, अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ है स्टॉक में, कल भी अच्छी ओपेक मीट से पहले मोमेंटम पिकअप करता हुआ नजर आ रहा था। एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, वो अपस्ट्रीम कंपनीज, ये सब रडार पर रहने वाली है, इसलिए ONGC खरीदने के मौके 121 तक के टारगेट के लिए अप्रोच करिएगा। धीरे धीरे बढ़िया मोमेंटम पिकअप कर रहा है, स्लो एंड स्टेडी अच्छे अप मूव्स आ रहे हैं। और ONGC की बात करी तो इसी का प्रॉक्सी छोटा ONGC ऑयल इंडिया, उसको रडार पर रखिएगा, वो छोटा पैकेज है इसी कंपनी ONGC का। अच्छा, अपस्ट्रीम कंपनी यही है, फायदा मिलना है। और इसके साथ वो कल एक खबर भी जुड़ गई, वो नुमालीगढ़ रिफाइनरी में जो इन्होंने पूरा स्टेक एक्वायर करा था, अब उसका ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 23% के आसपास का स्टेक असम सरकार को कल ट्रांसफर हो गया है। असम सरकार से उस 23% स्टेक के ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए के आसपास इनको मिल गए। नुमालीगढ़ में अब इनके पास 77% स्टेक है, तो पैसा भी आ गया, कच्चा तेल भी बढ़िया है, सेटअप बढ़िया है इन स्टॉक्स का, तो इसीलिए ऑयल इंडिया को भी रडार पर रखिए। ONGC और ऑयल इंडिया दोनों में खरीदारी करने का कौन? बिल्कुल सही आपने कहा कि जो तेल की कहानी उसके भी हमने शेयर लिए, लेकिन आगे बताऊंगा, पहले मैं रिजल्ट्स वाले शेयर्स पे आता हूं।
और गुजरात गैस को हमने टीम में शामिल किया और यहाँ पे खरीदारी की कॉल है। देखिए हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर गैस कंपनीज को अगर आप ट्रैक करें तो उसमें आपको वॉल्यूम चेक करना चाहिए कि कितना है, तो इनका वॉल्यूम लगातार बढ़ा है, मोरबी सेगमेंट में बढ़ा जहाँ पे बहुत इंडस्ट्रियल हब है, और मुझे लगता है कि बाकी जगहों पे भी 6-7% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को पड़ी, ये सिग्निफिकेंट होता है। अब थोड़ा सा मार्जिन इम्पैक्ट क्यों हुआ और बहुत ज़्यादा उम्मीद के मुताबिक नतीजे इसलिए नहीं आए क्योंकि पिछले 6 महीने में नेचुरल गैस की कीमतें 100% बढ़ी हैं, $3.5 पर इस समय गैस की कीमतें चल रही हैं। हेनरी हब के प्राइसेस भी आप देखेंगे तो बहुत ऊपर गए हैं, तो स्वाभाविक था कि उस गति से यहाँ पे प्राइस हाइक नहीं ली गई तो मार्जिन थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि वॉल्यूम आपने मेंटेन रखा है यानी मार्केट शेयर आपका बरकरार है, प्राइस हाइक तो एक ऑर्डर की बात होती है, कल से आप हाइक कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इंटरेस्टिंग है। तो गुजरात गैस के नतीजे हमें अच्छे लग रहे हैं, एब्सोल्यूट टर्म में आप देखेंगे 27% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में आई है और 40% की ग्रोथ प्रॉफिट में आई, तो मुझे लगता है इसमें खरीदारी डेफिनेटली करनी चाहिए। अगला स्टॉक इमामी पेपर है, छोटी सी पेपर कंपनी है लेकिन क्या धांसू रिजल्ट, अभी मैं ITC को सुन रहा था, हर्षदा का, उसका भी पेपर सेगमेंट बढ़िया कर रहा था और इनका भी कर रहा था, 47 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया है, 15 गुना हुआ है इनका प्रॉफिट जो पिछले बार था, और कुल आमदनी में 31% की ग्रोथ है, 412 करोड़, तो मुझे लगता है इसमें भी खरीदारी करके चलना चाहिए। ITC की बार बार बात करके आप दिल मत दुखाया करो और बात करनी हो सिर्फ डिविडेंड की करो, ठीक है। तो कच्चे तेल पे ONGC और ऑयल इंडिया तो मेंशन कर लिया, एक और कच्चे तेल की प्ले की पॉकेट, शुगर एज अ स्पीड, वो ब्लेंडिंग के चलते पहली कंपनी है द्वारिके शुगर इंडस्ट्रीज, बढ़िया एक शुगर कंपनी जिसके डबल डिजिट रिटर्न रेशियोज आपको नजर आएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग Q4 का परफॉर्मेंस था, आय में 30%, इबीटा में 47% का जंप था और डिस्टिलरी वो सेगमेंट था दरअसल जिसने इस कंपनी की Q4 परफॉर्मेंस को ड्राइव करा, डिस्टिलरी से रेवेन्यूज 100% बढ़े, इबिट जो था 170% का साल दर साल जंप था और डिस्टिलरीज में ही मार्जिन्स में 1000 basis points का इंप्रूवमेंट था, और ये तब हुआ जब इथेनॉल डिमांड दरअसल Q4 में वीक थी क्योंकि वो लॉकडाउन की शुरुआत की तरफ बढ़ रहे थे, अब अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कच्चा तेल $70 के लेवल्स को ब्रीच कर रहा है और कमेंट्री है कि कच्चा तेल और शायद नॉर्थवर्ड्स मूव करता हुआ नजर आएगा, तो ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है वो और पिकअप होता हुआ नजर आएगा। 1.3 lakh liters पर डे की डिस्टिलरी कैपेसिटी है, कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क कंपनी में इसके MD विजय बंका साहब से बात कर रहा था, कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे आउटलुक को लेकर, तो द्वारिके शुगर इंडस्ट्री डॉक्टर साहब उसकी बात हो रही है, उस स्टॉक को दिखाइए। अगला स्टॉक आपने जो पहले ही दिखा दिया वो आप दिखाइए, KM शुगर मिल्स, इसको मैंने कल भी मेंशन करा था, कल जब मिड कैप्स क्रैक हो रहे थे तब भी ये स्टॉक आउट, ऐसा नहीं कि रिटर्न अच्छे दे दिए थे, मेरे ख्याल से 2% के आसपास का फिर भी अपमूव दिया था कमजोर बाजार में, 22 रुपए की बुक वैल्यू है, उसके नीचे चल रहा है, आमतौर पर ज्यादातर शुगर कंपनीज अपनी बुक वैल्यू के तब ऊपर ट्रेड कर रही है पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद, प्रमोटर्स कंसिस्टेंटली अपना प्लेज रिड्यूस कर रहे हैं, 6 का PE multiple है, लोएस्ट शायद इस सेक्टर में, अमंग द लोएस्ट। और द्वारिकेश और केम शुगर के लिए एक और बात समझिए, यूपी सरकार खबरें हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पे कामकाज कर रही है इथेनॉल प्लांट्स की मंजूरी के लिए, बढ़िया स्टेप। इस्मा का कहना है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने फोर्थ साइकिल की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट कर दी है, यानी कि बिड्स मंगाई जा रही है इथेनॉल प्रोड्यूसर से 26 करोड़ लीटर्स इथेनॉल प्रोक्योर करने के लिए इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिसकी सप्लाई 1 जून से 30 नवंबर के बीच में करनी है। वैसे ही स्वीट स्पॉट में आते हुए कच्चा तेल का पेग लेकिन इनहेरेंट स्ट्रेंथ, इसलिए दोनों शुगर कंपनीज को मेंशन कर रहा हूं। पांचवा स्टॉक क्विकली यहीं पे बता देता हूं, नाहर स्पिनिंग का है, बढ़िया Q4 परफॉर्मेंस और मैंने मेंशन कर रखा है कि Q4 में 17-17.5 रुपए का एक क्वार्टर का EPS विदाउट एनी एक्स्ट्रॉर्डनरीज, मुझे लगता है सॉलिड परफॉर्मेंस था, ये स्टॉक अभी भी अच्छा मूव दिखाएगा। आशीष ये बात मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि शुगर की कीमतें जो है ना और स्ट्रेंथन होंगी, और आपके जो शुगर स्टॉक्स हैं इनके लिए अच्छी खबर यह कि ब्राज़ील में ड्राउट है तो वहाँ से बुरी खबरें शुगर के लिए होंगी उनके लिए, और जो ग्लोबल मार्केट के लिए शुगर कंपनीज के लिए बहुत पॉजिटिव होंगी, तो शुगर के लिए 6 दिन लगातार जारी है तो ये अच्छे पिक आपने पकड़ी है। लेकिन कल टीम बनाना थोड़ा आसान था, 2-3 शेयर तो मैंने कल वाली रिपीट मार दिए, मोमेंटम चेज करिए ना, हाई एनर्जी बैटरी कल
20% के अपर सर्किट में था, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे उनके और थोड़ा बड़े टिकट साइज़ का था, उसके बावजूद इसमें सर्किट लगा था। मुझे लगता है इस मोमेंटम को अभी चेस करना चाहिए, क्योंकि जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही वहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ ओपन हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं सीमेंस की कॉन कॉल की डिटेल पढ़ रहा था, प्राइवेट कैपेक्स की बात हो रही है, मतलब ये भारत के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है, इकॉनमी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि प्राइवेट कंपनी कैपेक्स की बात कर रही है, तो कैपिटल गुड्स और ये सारे सेगमेंट चलते हुए दिखेंगे। इसलिए मोमेंटम चेस करिए, हाई एनर्जी बैटरी आदमी खरीदारी की सलाह है, लेकिन चूंकि एक सर्किट लग चुका है इसलिए आपको ध्यान देना है। मैग्मा फिनकॉर्प, कल मैंने कहा था कि रिजल्ट छोड़ दीजिए, इसमें आधार पूनावाला जी अब चेयरमैन बन गए, अब इस कंपनी को डिफरेंट एंगल से आपको देखना चाहिए। छोटा सर्किट है 5% का, खुलते ही लग गया था, आज भी खुलते लगेगा, मौका मिलेगा तो ट्रेड कर लीजिएगा, नहीं मौका मिलता तो ले के रखिएगा, 2-6 साल में आप देखिएगा इसके बारे में नारे होंगे। तो 143 में ट्रेड कर रहा है 150 के लक्ष्य के साथ, मैग्मा फिनको आपने भी खरीदारी करनी चाहिए। और पांचवा स्टॉक है कार्डा कंस्ट्रक्शंस, दो रीजन से लिया है, तो रिजल्ट इसके आए थे कल परसों, 45 करोड़ की इन्होंने सेल्स की और मुनाफा 3.5 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़ रुपये आ गया और मार्जिन में 30% की ग्रोथ देखने को मिली, 40% का मार्जिन इन्होंने क्लॉक किया और प्रॉफिट मार्जिन में 30% की ग्रोथ देखने को मिली, 28.12। कल हमारे चैनल पर ही आपने देखा होगा राजीव कुमार जी जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष, उनका इंटरव्यू चल रहा था और उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली कहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर को पुश देने की ज़रूरत है और जो तमाम राज्य सरकारों ने स्टैम्प ड्यूटी सबको कम किया था, शायद वो एक बार फिर से करने की ज़रूरत है। तो चूँकि नीति आयोग एक गाइडेंस बॉडी है, मतलब एक विचार रखते हैं वो, बहुत जगहों पर इसको फॉलो किया जाता है, तो मुझे सरकार की मंशा समझ में आई कि शायद रियल एस्टेट को फिर से एक पुश मिलेगा, तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं, 193 का टारगेट होगा। अब बताइए डिपेंडेबल, डिपेंडेबल एक ऐसा स्टॉक जो कल भी टीम में था आज भी है, तो भरोसा बढ़ रहा है स्टॉक को लेकर, वो कंपनी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स। कल सुबह मैंने मेंशन करा था कि फंड्स की बाइंग हो रही है, इसलिए रडार पर रखिएगा। कल सुबह बताया था कि HDFC म्यूचुअल फंड ने परसों के ट्रेडिंग सेशन में 24,81,000 शेयर्स खरीद डाले, बढ़िया तगड़ी 25 लाख शेयरों की ऑलमोस्ट बाइंग थी। कल शाम को फिर मैं डेटा कंगाल रहा था तो IRB इंफ्रा में HDFC म्यूचुअल फंड ने फिर 24,62,000, तो मुझे लगा कहीं डेटा अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं डेटा ही नहीं अपडेट हुआ है, फिर आंकड़े मैच करे तो अलग अलग थे, तब भरोसा बढ़ा भाई HDFC म्यूचुअल फंड ने दूसरी बार भी वो 24-25 लाख के शेयर्स की बाइंग कर डाली है, इसीलिए दो दिनों से प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्टॉक का पिकअप होता हुआ, अब ऑलमोस्ट 48-50 लाख शेयर्स HDFC म्यूचुअल फंड ने पिछले दो कारोबारी सत्रों में इस तरह की अग्रेसिव बाइंग इस स्टॉक में कर डाली है। इसको रडार रखिएगा, कल भी टीम में था, खराब बाजार में अच्छा देखे गया, 2-3% के आसपास का मूव देखे गया है, मुझे लगता है इसमें अपवर्ड जर्नी अभी भी कंटिन्यू होगी, शायद 120 तक इवेंचुअली ये स्टॉक जाता हुआ नजर आया। मेरा डिपेंडेबल आशीष फिर से एक शेयर है जो कल वाला रिपीट है, PNB हाउसिंग, खुलते ही इसमें भी सर्किट लगा था, कल दूसरा सर्किट था 20-20 का, आज अब 10% का हो गया होगा। देखिए इसमें अब प्राइस तो इधर किधर जाएंगे उसकी जस्टिफिकेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से अब इसमें नाम निकल के आ रहा है पूरी साहब का, पूरे बिजनेस को रिवैम, तो कल यही नहीं तमाम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को आप देखिए सब चल रही थी, क्योंकि वो जब एक बहुत बड़ा व्यक्ति आता है किसी कंपनी में ना, तो उससे पूरे सेक्टर में लगता है कि रौनक लौट रही है, तो मोमेंटम चेस करना है आपको इसमें भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि तीसरा सर्किट होगा अगर आज लगेगा तो 10% का ही होगा, तो स्टॉप लॉस ध्यान रख के खरीदारी कर सकते हैं, टारगेट वही उसी के आसपास 690 के आसपास होगा, PNB हाउसिंग खरीदारी कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। तो जैसा हमने कहा था कि क्रूड ऑयल पर ध्यान रखना चाहिए, दो स्टॉक हमने इसमें लिए हैं HOEC और सेलान। HOEC में इसलिए लिया है क्योंकि देखिए क्रूड की कहानी बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्रूड या जो बड़ी कमोडिटीज़ होती हैं उनकी जो ग्रोथ होती है, जो उनके प्राइस मूवमेंट होते हैं वो लीनियर चलते हैं। अगर आप इसका ट्रेंड देखेंगे तो इस 2021 में 30% की ग्रोथ क्रूड में अब तक आ चुकी है और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। कल OPEC की बैठक में साफ सी बात देखने को मिली, तमाम बातें निकल के आई, मैंने इनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की थी YouTube के ज़रिए, तो उसमें साफ ये कहा गया था कि देखिए जो सप्लाई है वो अभी कोई चेंज नहीं होने जा रहा, पहले का जो प्लान था उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से हमें ये पता चल जाए, OPEC का ये कहना था कि किस तरीके की ग्रोथ और किस तरीके के सिनेरियो बदल रहे हैं। तो दोनों देशों का जिक्र हुआ, अमरीका का भी हुआ, चाइना का भी हुआ और भारत का भी हुआ,
भारत में भी शॉर्ट टर्म की एक प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ से भी ग्रोथ पलटती हुई आपको दिखेगी, तो इसलिए कोई चेंज नहीं। क्रूड की लीनियर ग्रोथ आपको लगातार चलती हुई यहाँ से दिख रही है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊँ, नेचुरल गैस के प्राइसेस 6 महीने में डबल हुए हैं, 100% की ग्रोथ हुई है। तो इस तरीके के एनर्जी कंजम्पशन लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रूड में ये तेज़ी बनी रहेगी, क्योंकि ईरान का माल कब आएगा ऑफिशियल मार्केट में पता नहीं किसी को, क्योंकि यूएस के साथ जो डील होनी है वो कब होगी, कैसे होगी, यू नेवर नो। इसराइल के कमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा डील हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि इसराइल ने तो एलिमिनेशन तक की धमकी के बात कही है। मुझे लगता है कि वो सब बातें छोड़िए आप, मूल मुद्दा ये है कि क्रूड में फिलहाल तेज़ी का माहौल बना हुआ है, और इसीलिए HOEC, ONGC इस तरीके के तमाम शेयर्स में तेज़ी बनेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। और सबसे बड़ा बात तो कि जो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर इंडिया है, वहाँ से तो अभी डिमांड ठीक से पलटी ही नहीं है, तो इसीलिए खरीदारी करके चलिए। HOEC में प्राइवेट प्लेयर है, बढ़िया तेज़ी यहाँ पे देखने को मिलेगी। 120 तक का टारगेट लीजिए, इसमें सिलान एक्सप्लोरेशन में भी 170 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कर सकते हैं। तो फ्री एड के तौर पर रूपा एंड कंपनी बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक ने पकड़ा है, नंबर्स वाकई स्ट्रॉन्ग थे। होजरी कंपनीज, टेक्सटाइल शेयर्स, अंडरगार्मेंट मैन्युफैक्चरर्स बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस डिलीवर करके जा रहे हैं। वो एक अंडरवेयर इंडेक्स होता है, अंडरवेयर इंडेक्स की थ्योरी ये कहती है कि जब इन सब की सेल्स पिकअप होती है तो इकॉनमी इंप्रूव होती है। इनकी सेल्स तो Q4 में बहुत तगड़ी पिकअप हुई है, होपफुली अब इकॉनमी लैग के साथ इंप्रूव होगी, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ा है, मुझे लगता है स्टॉक रडार पे रखेंगे। लुडलो जूट, जूट स्टॉक्स ऑफ लेट रडार पे आते रहते हैं, पर आज मेंशन करने की जरूरत इसीलिए क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग Q4 का परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से, 108 110 के साल के हाई, 30 रुपए ऑफ हाई ट्रेड करता हुआ, 106 करोड़ से बिक्री बढ़कर 146 करोड़ रुपए क्लॉक करी, इवन Q-on-Q बड़ा तगड़ा जंप है, 120 करोड़ से बढ़कर 146 करोड़ रुपए का लॉसेस से अब यह कंपनी लुडलो जूट स्पेशलिटीज जो है प्रॉफिट्स क्लॉक करना शुरू कर चुकी है। तो टर्न अराउंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, रेवेन्यूज में तगड़ा मोमेंटम, खरीदारी करने का मन, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, उसी तरह से ट्रीट करेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर आखिरी के दो स्टॉक्स और टीम्स के। स्वागत एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और आखिरी के दो स्टॉक्स हैं ये भी ऑयल से रिलेटेड कंपनीज ही हैं, जिंदल ड्रिलिंग और अल्फाजियो। एक कंपनी ड्रिलिंग के लिए इक्विपमेंट सप्लाई करने में मदद करती है, और अल्फाजियो जो सिस्मिक सर्वे करती है, जियो सर्वे करती है कि कहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग या होती है। तो मुझे लगता है कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं, देखिए इसका लॉजिक ये होता है कि जब क्रूड ऑयल के तेज़ी बढ़ती, कीमतें बढ़ती हैं, तो फिर नए वेल्स, नई ड्रिलिंग, नई डिस्कवरीज पे काम होता है, अदरवाइज़ फिर लोग काम रोक देते हैं या स्लो कर देते हैं। लेकिन अब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो तमाम कंपनियाँ अपने जो कैपेक्स करती हैं उसमें तेज़ी आती है, तो इसीलिए इन दोनों कंपनियों में एक मुझे लगता है मोमेंटम बनना चाहिए। तो तेल की तेजी पे दो और शेयरों में खरीदारी कर सकते हैं। तो फाइनली और बाय कॉल्स आते हुए, J&K बैंक का वो जो फ्राइडे की बोर्ड मीट स्केड्यूल्ड है, जिसमें शायद जम्मू एंड कश्मीर सरकार जो प्रमोटर है 500 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल फंड इन्फ्यूजन की तैयारी कर रही है। कल जब सरकारी बैंक पिट रहे थे, J&K में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू था, तो मुझे लगता है वो आज भी कंटिन्यू होगा। 29 के आसपास है, 30 तक के टारगेट्स से आज फिर अप्रोच करेंगे इस मोमेंटम को, इस बोर्ड मीट से पहले तक राइड करने की कोशिश। आज होपफुली अगर ब्रॉडर मार्केट्स का मूड सुधरता हुआ नजर आया तो अच्छा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक शायद डिलीवर कर दे। और लास्ट में 5 पैसा कैपिटल, अब इसको लेने की वजह क्या, जब भाई दलाली वलाली ज्यादा देनी है, वो क्या कहते हैं, मार्जिन बढ़ रहे हैं, तो फिर ये कंपनी क्यों। अच्छा, 5 पैसा वैसे ही 470 के हाई से करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है। कल बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि वो जो हांगकांग बेस्ड हेज फंड है, WF एशियन रिकॉनिसेंस फंड, इसने अपना स्टेक बढ़ा दिया है, 1.8% से बढ़ाकर 9.9% पे ले गए हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए दरअसल 8% और इस कंपनी का उन्होंने ले लिया है, तो वो इंटरेस्टिंग था। ब्रोकरेजेस के लिए समय खराब है, तो खबर अच्छी है लेकिन तो थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेंगे। खबर अच्छी है इसलिए शायद अच्छा मूव ये स्टॉक डिलीवर करता हुआ नजर आए। नीरज जी, 10 के 10 खरीदारी करने के कॉल्स हैं आज के सीधा सौदा लाइनअप में, क्या पसंद आ रहा है? तो
IRB इंफ्रा पसंद आ रहा है और आपकी टीम में कई सारे स्टॉक्स हैं। कल मैं शाम को नतीजे देख रहा था इमामी पेपर के, नंबर्स बढ़िया हैं, बाकी बड़े स्ट्रॉन्ग आंकड़े आए और कुछ हद तक इलिक्विड है, तो आज कमाल दिखा सकता है ये स्टॉक। एंट्री मिल गई सही स्तरों पर तो अच्छे रिटर्न देने का दमखम इमामी पेपर दे सकता है, इसलिए उन नंबर्स के दम पर मुझे लगता है स्टॉक को रडार पर रखिएगा। चलिए इस नोट पर आज की 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर, आज फिर 10 के 10 बल्लेबाज। मार्केट थोड़े से कंसोलिडेशन साइडवेज मूवमेंट के मूड में, ऐसे में जरा स्टॉप लॉसेस लगा के चलेंगे। मार्जिन का इंपैक्ट कल खत्म हो गया है, आज भी कंटिन्यू होगा, एनीबॉडीज गेस। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ, लेकिन शुरुआत तो आज लाइमलाइट में क्रूड था, $70 के ऊपर बढ़िया कंसोलिडेट करता हुआ। इस समय वो कुछ पोजिशन अनवाइंड हुई है, लेकिन इवेंचुअली कहा जा रहा है वापस तेजी रिज्यूम होगी। तो ONGC उसको रडार पर रखना है, अपस्ट्रीम कंपनी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, और इसी का छोटा भाई ऑयल इंडिया जो ONGC का छोटा पैकेज है क्रूड के चीयर से चलते, इसको रडार पर रखिएगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी में असम सरकार को स्टेक बेचा है 500 करोड़ रुपए का, ये बाजार बंद होने के बाद अपडेट भी आया। दो चीनी कंपनियां पर ये ब्लेंडिंग का प्ले, क्योंकि ध्यान रखिएगा कच्चा तेल उबाल पे है, ब्लेंडिंग पे वापस जोर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और द्वारिकेश ने अपनी डिस्टिलरी कैपेसिटी बढ़ा दी थी तगड़ी तरीके से, वो नंबर्स में नजर आता है। KM शुगर मिल्स में प्रमोटर्स डी प्लेज कर रहे हैं, प्लेज रिड्यूस करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। UP सरकार ध्यान रखे शुगर कंपनीज के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की तैयारी कर रहा है इथेनॉल प्लांट सेटअप करने के लिए, और OMCs ने टेंडर फ्लोट करने की तैयारी कर ली है ऑलरेडी इस बार के इस फोर्थ फेज के इथेनॉल प्रोक्योरमेंट के लिए, वो ब्लेंडिंग के लिए। नहार स्पिनिंग मिल्स अच्छे नंबर्स के दम पर कंटिन्यू कर रहा है इसको टीम में। IRB इंफ्रा HDFC म्यूचुअल फंड बहुत एग्रेसिवली पिछले दो दिनों से 24 लाख से ज्यादा शेयर्स खुले बाजार से एक्वायर हो रहे हैं स्टॉक के, इसीलिए इसको डिपेंडेबल का दर्जा। रूपा एंड कंपनी ने रिजल्ट, वैसे इस पूरे स्पेस ने गजब के रिजल्ट दिए हैं और मोमेंटम स्ट्रांग है। लुडलो जूट के नंबर्स अच्छे, इसीलिए मेंशन। JNK बैंक की बोर्ड मीट फ्राइडे को स्केड्यूल, उससे पहले बाइंग 5 पैसा में। हेज फंड WF रिकॉनिसेंस ने तगड़ा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए स्टेक बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट 9-10% पे पहुंच गए, इसीलिए मेंशन। चलिए खरीदारी पे पूरा फोकस, और कई सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आए, बहुत सारी खबरें हैं, और गुजरात गैस के नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिले, वॉल्यूम ग्रोथ बहुत सिग्निफिकेंट है, तो मैं लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा इमामी पेपर्स ने तो बहुत ही उम्दा नतीजे पेश किए हैं, एकदम 15 गुना प्रॉफिट बढ़ा लिया है। हाई एनर्जी मैग्मा फिनकॉर्प और PNB हाउसिंग ये कल के स्टॉक्स हैं, इनको रिपीट कर रहा हूँ, मोमेंटम चेस करना चाहिए, क्योंकि तीनों में ही लगभग क्या मतलब सर्किट ही लगा हुआ था, तो मैं लगता है यहाँ पे मोमेंटम चेस करना चाहिए लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। इसके साथ ही आप ध्यान रखिएगा HOEC सेलान अल्फाजी और जिंदल ड्रिलिंग, ये चार क्रूड से रिलेटेड कंपनीज हैं, क्रूड में ज़बरदस्त तेज़ी है और जो OPEC की टोन है वो भी इस तरफ बढ़ रही है कि प्राइस हाइक बढ़ता ही रहेगा, तो मैं लगता है कि इन स्टॉक्स में आज खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि कच्चे तेल में रिवाइवल के संकेत बहुत पहले मिल गए थे और अब इकॉनमी जैसे जैसे ओपन अप हो रही, रिकवरी आ रही, तो इसमें तेजी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए।